हम आए हैं रोज़ गार्डन में रोज़ फेस्टिवल देखने। बचपन में मैंने एक बार देखा है, मैं सेकंड टाइम अब देखने आई हूँ मेला टिपिकल। और दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या है, क्राफ्ट्समैन कौन कौन से आए हुए हैं, चलते हैं। मेला सा बना रखा है। ये पेंटिंग तो देखकर मुझे मजनू भाई की पेंटिंग याद आ गई, रॉकिंग हॉर्स। पूरा टिपिकल मेला बना हुआ है, तो ट्रैफिक पुलिस। क्योंकि आप जो पैदल चलते हैं ना, उनको इन्फॉर्मेशन दो कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही करें, क्योंकि उससे भी एक्सीडेंट्स होते हैं। पैदल वालों का फाइन कब स्टार्ट होगा? देखो जी, किडनैपिंग कोई समझदार नहीं, मर्जी करो। आपके पास तो फुल पावर है, आप तो जैसे गाड़ियों का चेक करते हो, तो उनका भी स्टार्ट कर दो। डेमो देके बता सकते हो आप इन्फॉर्मेशन? तो आपने इन्फॉर्मेशन पता कैसे है? मतलब कि सड़क में जब चलते हैं हम, मतलब लेफ्ट चलना चाहिए तो हमारे को राइट चलना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अपोजिट चलना चाहिए, ताकि हमारे को सामने वाली गाड़ी आते दिखे। कोई भी स्नैचिंग होती है पीछे से होती है, आगे से तो होती नहीं। कोई भी एक्सीडेंट होता है आगे से होता है। हमारे को कोशिश करनी चाहिए, लोगों को यही नहीं पता भी पैदल चलना तो चलना कैसे, रोड पे कैसे चलना। बाकी जो लेडीज के लिए हेलमेट कंपल्सरी है, अब क्या है, आप 2.5 लाख के करीब जो हमारे चलाना कैमरे के लेडीज के चलाना पिछले साल के, जब अंडर एज कोई चलाते हैं गाड़ी उसके लिए पेरेंट्स को 3 साल की जेल, 25,000 रुपया फाइन। ये हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट की फैसिलिटी ज्यादा होती है। बहुत मिट्टी है यार, मिट्टी मिट्टी है, ओल्ड इज गोल्ड। यहाँ पे तो सारी यादें ताजा हो गई, इतने एंटीक्स गैजेट्स पड़े हुए हैं, मजा आ गया देख के। देखो हम बर्फीले ओपन किए, धूप बहुत है। धूप बहुत है और वी आर इन रोज फेस्टिवल, तो हमारी शुरुआत हो चुकी है। मिट्टी बहुत है, डस्ट बहुत है, इतनी मिट्टी है यहाँ पर, मिट्टी मिट्टी हो रखी है, लूज मिट्टी, वो कलाग्राम। हाँ, उड़ रही है, फोन भी गंदा हो रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग तो है। पटियाले का एड्रेस दे दो हमें। पटियाले तो देखो ऐसा रहे, नहीं नहीं आप मोस्ट वेलकम। पटियाले हमारी दुकान नहीं है मैडम, वर्कशॉप है। हम तो गांव में जो एनजीओ बनता है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो बनाया है। पटियाले में 700 रुपये का बेचते हैं, यहाँ क्या बिकता ज्यादा है। हॉन्ग कॉन्ग फ्री गिफ्ट। मौसी जी इस चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। यहाँ पर क्या है, वैसे बना रखे रॉक गार्डन में जो बने होते हैं उनका, उनको ऐसे बनाया हुआ है। हमें निकल रहे हैं बिल्कुल आईफल टावर के नीचे से झुक के, बहुत मिट्टी है, सारा गंदा हो गया, कपड़े मिट्टी मिट्टी हो गए। तो अभी हम मिले थे ट्रैफिक पुलिस वालों से, उन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा था अवेयरनेस के लिए, तो हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिली उनसे कि इतना बड़ा टावर लगाया गया है टेम्प्रेरी टावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना होए। इतना रश है ना यहाँ, पागल हो रखे हैं लोग। ये तो टनल बना दी है, हटी क्या टनल, रोज की टनल बनी हुई थी, इसको थोड़ा सजा दिया। देख तो कुछ नहीं पा रहे, रश ही देख रहे हैं, लोगों की भीड़ देखने आए हैं ऐसा। फ्लावर देखो, फ्लावर तो देख ही नहीं पा रहे। यहाँ पर ये भी रखा हुआ है लॉस्ट एंड फाउंड पुलिस कंट्रोल। किसको ढूंढ रही हो? तो मतलब पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, इतनी भीड़ है, टक्कर ही पड़ रही है, भूत आ गया। और हम भी ऐसे भूत बन के घूम रहे हैं, भूत आ गया। मिले आ
साथ क्या सलूक किया जाए। जब से घोड़े की टांग टूटी है सारी फौज पैदल ही चल रही है। सैनिकों गाँव का चप्पा चप्पा छान मारो, गोलियां चलेंगी मगर धमाका नहीं होगा। जय भवानी। और आंटी जी घबराने कोई बात नहीं है, दुश्मनी आपसे नहीं है, दुश्मनी मेरी बुद्धों से है जिन्होंने चप्पर के जबारे में हाथ डाला है। जय भवानी की। हरिया क्या खबर लाए हो हरिया। जय MC for organizing this festival, but I don't think... And inviting us, no. But I think the people don't deserve this festival. क्योंकि यहाँ पे इतना गंद मचाते हैं, इनको देना ही नहीं चाहिए हमें ये चीज़ें। They don't deserve. Being a Chandigarhian, मेरे को तो बहुत hurt हो रहा है जैसे गंद मचा रहे हैं। जैसे चींटियाँ नहीं चल रही इतनी सारी, इतने लोग, रोज़ कोई नहीं देख रहा। अगर आप फ्लावर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पे हर फ्लावर के साथ एक QR कोड है, उसको आप स्कैन करके उस फ्लावर के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। फाउंटेन भी लगा दिया है, पानी की बूंदें गिर रही हैं ऊपर फाउंटेन की। मेले में आया, मेले मेले वाली वाइब है पूरी। कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है। और सिक्योरिटी अपने यहाँ पर भी है, दिखाना थी? वो देखो ऊपर अंकल वो चढ़े हुए हैं, वो सिक्योरिटी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन डेक है उनका। राउंड अबाउट को सिटिंग एरिया बना दिया इन्होंने। बंजी जंपिंग लंबू जा रहा है, रेस मैं भी करूंगा रेसिंग। हाँ जंप जैसे जो चलते जा सको चलते जाओ, पर बोरी में घुस के जाना। अरे उनको भी दिखने दो, थोड़ा इधर हो जाओ यार, थोड़ा इधर इधर हो जाओ बराबर सारे। हाँ जी, हाँ जी, रेडी 3 2 1 स्टार्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये विनर हो गया, विनर हो गया। साइबर क्राइम के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इस फ्लावर का नाम लारा है और 500 रुपीज का फाइन है, 500 रुपीज का अगर तोड़ते हो तो। जी। रूम्बा सांबा, फिर से बोलना, रूम्बा सांबा। रूम्बा सांबा। अम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। ये सिंगर 5:30 बजे शो है, गेम है साम सीढ़ी। यहाँ पे बच्चों के लिए फेस पेंटिंग भी हो रही है, पोस्टर भी है। चलता तो पूरा दिन है, 3 दिन होता है, 3 दिन का फेस्टिवल। 3 दिन का होता है कि 3 दिन का होता है फेस्टिवल? तो हमने आज कुछ घंटों के लिए विजिट करा, सारी चीज़ें तो नहीं दिखा पाए लेकिन मेजर मेजर चीज़ें आपको दिखा दी। शोज़ रात को होते हैं जिसमें स्टार्स आते हैं। मदर टेरेसा, ये है मदर टेरेसा। तो इन ऑल बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, फेस्टिवल बहुत अच्छा था, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत सारे आर्टिसंस को एक मौका मिलता है अपना जो आर्ट है वो शोकेस करने के लिए। बट ऑन दी अदर साइड मुझे लगता है कि सिटीजन्स को भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा तमीज़ से रहें और ज़्यादा गंद ना फैलाएं, क्योंकि ये बहुत गंदा कर दिया इन्होंने रोज़ गार्डन। और उसके बाद हम ही कंप्लेंट करते हैं कि सफाई नहीं करते।
और चंडीगढ़ कर रहे हैं। चंडीगढ़ टूरिज्म का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा। चंडीगढ़ टूरिज्म का काम बहुत अच्छा, बहुत इम्प्रूव हुआ है जागरूकता फैलाने में। मतलब साइबर क्राइम के बारे में भी बहुत कुछ बताया आज बच्चों ने, ड्राइव करी, ड्रिल करी, तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सब कुछ ही है, कम्प्लीट मसाला है। इन ऑल कम्प्लीट पैकेज है जो कि एंट्री टोटली फ्री है, यहाँ पर कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, कोई भी आ सकता है, आप इंजॉय कर सकते हैं, अपना डे स्पेंड कर सकते हैं। बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हैं, चार्ली चैपलिन भी है जिसको फॉरेन का मौका नहीं मिला, वो तो यही मिल लो आप उनसे, रावण से मिल लो, सांबा से मिलो, डाकू, मध्य प्रदेश के डाकू सबसे मिले हम। अच्छा था। और इसी तरह हमारे चैनल में हमेशा बने रहिए, कीप वॉचिंग आरती एंड पार्थ व्लॉग्स एवरी मंडे थर्सडे 8:15 PM। डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, सब कुछ कर दो और बनते रहिए। नए कंटेंट के लिए हमें फॉलो करो। हाँ, मशरूम के लिए भी इतनी लंबी लाइन, हर जगह लाइन, एग्जिट करने के लिए भी लाइन, एंट्री करने के लिए भी लाइन। दुबई सीरीज में देखा था ना जाइंट व्हील, ये यहाँ का जाइंट व्हील है। तो रोज़ गार्डन से निकलते ही हमारा नेट ऑन हो गया, मुझे लगता है वहाँ पर जैमर लगाया गया था कि वहाँ पर किसी का नेट और फ़ोन ना चले। पुलिस की गाड़ी भी रहती है, एम्बुलेंस भी रहती है, ये सही है। और ये छोटा सा आईफिल टावर जो हमने आपको दिखाया था हॉप ऑन हॉप ऑफ बस से, पार्किंग टोटली फ्री है, पार्किंग हुई है 10 सेक्टर में, 10 और 16, ये दोनों सेक्टर्स में डिवाइडेड है। ये जो रोज़ गार्डन है, कुछ चीज़ें इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, कुछ चीज़ें सेक्टर 10 में हो रही हैं और बाकी की चीज़ें हो रही हैं 6 और 16 में, तो रोज़ गार्डन है ही और 10 में भी इन्होंने स्टॉल्स लगा रखे, तो हमने पार्किंग 10 में करी है। और 10 और 16 वाली रोड को टेम्परली बंद कर रखा है जिसमें वो पेडिस्ट्रियंस वॉक करके उस क्रॉस कर सकते हैं। सो वी होप आपको हमारा ये कवरेज अच्छा लगा होगा। आपके कुछ और सजेशंस हैं तो डू राइट इन कमेंट्स।